गुड मॉर्निंग क्लास. लास्ट वीक आई हैव टॉट यू द इंटायर सेंटेंसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हैविंग लेट. आज हम सीखेंगे कि लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो कॉमन रूल्स इसके हैं, इफ रिपोर्टेड स्पीच starts with let us or let's, then reporting verb said or said to is converted into proposed or suggested. So first rule क्या है कि यदि reported speech let us या let's से शुरू होता है तो जो reporting verb said होती है या said to होती है उसको proposed या तो सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी कि सेड या सेड टू की जगह पर प्रपोज हो जाता है या तो सजेस्टेड हो जाता है. दूसरा है लेट अस, लेट्स इज रिप्लेस्ड बाय दैट दे शुड और दैट वी शुड. क्या होता है जहां पे लेट अस होता है या लेट्स होता है उसके स्थान पर दैट दे शुड या दैट वी शुड का यूज करते हैं. लेकिन वी शुड दैट वी शुड का यूज तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब आई या तो वी दिया होता है. और थर्ड इसका है इफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट स्टार्ट विद लेट अस और लेट्स देन वी फॉलो द रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस टू चेंज द सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट. क्या होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट अस या लेट्स से शुरू नहीं होता है तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को जिस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेम वही रूल होता है इसको भी चेंज करने के लिए. यानी क्या होता है फिर सेंटेंस के भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, सजेस्टेड इन सब का यूज करते हैं और फिर पोजिशन टू का यूज करते हैं. तो क्या रूल होते हैं ध्यान क्या देना है आपको कि सबसे पहले आप देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच हो शुरू किससे होगा. अगर लेट और सेलेक्ट से शुरू होगा तो प्रपोज या सजेशन इस तरीके से भी कहा जाए ही सेड लेट अस प्ले अ मैच टुडे. लेट अस प्ले अ मैच टुडे. अब इसमें क्या है रिपोर्टेड स्पीच ये है लेट अस प्ले अ मैच टुडे इट इज अ रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए आपको शुरू किस तरह से आप शुरू क्या है लेट अस आया. क्या बताया गया अगर रिपोर्टेड स्पीच लेट अस या लेट्स शुरू होता है तो सेट के स्थान पर क्या होता है प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड. यहाँ क्या हो जाएगा ही प्रपोज्ड अभी आप या तो प्रपोज लिखिए या तो सजेस्टेड लिखिए दोनों सही है. ही प्रपोज्ड या ही सजेस्टेड. उसके बाद इस लेट अस को हटाएंगे क्या यूज करते हैं लेट अस को हटा करके दैट दे शुड का यूज करते हैं या दैट वी शुड. क्या होगा दैट दे शुड दैट दे शुड प्ले. बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा प्ले अ मैच टुडे चेंज हो जाता है दैट दैट डे. दूसरे से है सी सेड टू हर हस्बैंड लेट अस पार Let us park the car in the parking area. Parking area. She said to her husband, "Let us park the car in the parking area." इसमें भी देखिए रिपोर्ट स्पीच क्या है. रिपोर्ट स्पीच दिया है लेट अस पार्क द कार इन द पार्किंग एरिया. स्टार्ट किस तरह लेट अस से लेट अस होता है तो सेट टू के स्थान पर प्रपोज टू या सजेस्टेड टू. सी
proposed to, ध्यान रखिएगा said के बाद to होता है, तो let वाले sentence में क्या करते हैं to लगा ही रहता है, उसको हटाते नहीं, क्योंकि अगर she proposed to her husband, her husband, let us को हटाएंगे तो वहां हो जाएगा that they should park the car in the parking area. दूसरा क्या है कि अगर let us के बाद क्या होता है, सॉरी अगर let के बाद क्या होता है us होता है या let's होता है, तब तो हम क्या करते हैं that they should या we should यूज करते हैं. लेकिन we should का यूज कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट I होता है या तो we होता है, तभी that we should होता है, अदरवाइज हमेशा that they should ही होता है. जैसे भी कहा जाए I said to them, I said to them, let's go for a walk. In the morning. तो क्या बोला सेट टू का, सजेस्टेड टू या तो प्रपोज टू, तो आई प्रपोज टू देम दैट. अब यहां पे देखिए लेट अस थर्ड पर क्या होता है दैट दे सुड या तो वी सुड, लेकिन यहां पे रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट क्या दिया आई दिया, तो आई होता क्या होता दैट के बाद वी सुड, दैट वी सुड, दैट वी सुड गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग. सेंटेंस बना I propose to them that we should go for a walk in the morning. नेक्स्ट सेल दिया है द बॉय सेड लेट मी गो होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ. अभी सेंटेंस में देखिए लेट मी गो होम, रिकॉर्डेड स्पीच में क्या दिया हुआ है लेट के बाद अस नहीं आया, क्या आया मी आया. तो क्या बताया मैंने कि अगर लेट के बाद अस ना आता हो, इसके अलावा मी लेट हिम लेट देम लेट द बॉय लेट द गर्ल, कोई भी थर्ड पर्सन दिया हो सेकंड पर्सन दिया हो तो क्या करते हैं, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है उस सेंस के अकॉर्डिंग सेट के स्थान पर रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइस सजेस्टेड इन सब का यूज करते हैं. जैसे याद है लेट मी गो होम नाउ, तो ये क्या है इट इज अ रिक्वेस्ट, तो यहां क्या लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड टू, और इसमें क्या होता है कंजंक्शन दैट का यूज नहीं होता बल्कि आप प्रीपोजिशन टू लगाते हैं. द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट अस वाले में लेट अस को हटा देते, बट इसमें अगर लेट के बाद मी हिम देम ये सब आता है तो क्या करते हैं वो लेट लगा ही रहेगा. द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट मी फर्स्ट पर्सन चेंज हो बॉय के साथ क्या जाएगा यहाँ पे हिम, लेट हिम गो होम नाउ कन्वर्ट हो जाता है देन मी, द बॉय रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम देन. नेक्स्ट द
King said, "Let the prisoner be set free. Let the prisoner be set free." What the sense? क्या sense है इसमें? Order है. यहाँ हो जाएगा the king ordered to let the prisoner be set free. या इसका दूसरा हो सकता है द किंग ऑर्डर दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री. दैट द प्रिजनर शुड बी सेट फ्री ये भी सही है, या तो टू लेट ना बनाएंगे तो भी होगा. या दूसरा भी देखते हैं द मदर सेड टू द चाइल्ड Let me see your notebook. The mother said to the child, "Let me see your notebook." अब let me see your notebook. Let के बाद क्या आया? Me आया. जैसे इसमें दिया let के बाद क्या आया था? Prisoner आया. इसी में let के बाद me आया. क्या करना है? कि ध्यान रखना है रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट के बाद अस नहीं आता है तो सारे रूल्स आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस वाले होंगे. तो यहाँ क्या जाएगा? द मदर सेड टू, कितना हो जाएगा? ऑर्डर. द मदर ऑर्डर द चाइल्ड टू लेट मी. फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, मदर के अकॉर्डिंग वहां हो जाएगा हर. लेट हर सी, योर चेंज हो जाएगा चाइल्ड के आंसर हिज नोटबुक. तो इनडायरेक्ट ऑफ सेंटेंसेज हैविंग लेट यानी लेट ऑन सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दो रूल हैं. आपको ध्यान कर देना है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर लेट का सेलेक्ट से शुरू होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा? प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड हो जाएगा. और लेट अस या लेट्स को हटा करके वहां पे दैट दे शुड का यूज करते हैं. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई और वी होता है तो दैट वी शुड का यूज करते हैं. दूसरी बात, अगर लेट के बाद अस नहीं आता है, इसके अलावा जैसे मी हो गया या कोई थर्ड पर्सन हो गया प्रोनाउन या कोई नाउन दिया हो, तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेज को चेंज करने के रूल बताया गया था यानी सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग सेट के स्थान पर या सेट टू के स्थान पर ऑर्डर रिक्वेस्टेड सजेस्टेड एडवाइज इन सब का यूज करते हैं और प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं. बाकी टेंसेज और प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होते हैं वो पहले की तरह ही होते हैं. तो आज का जो आपका टॉपिक था इनडायरेक्ट ऑफ सेंटेंसेस हैविंग लेट, उसमें बस इतना सही है. ओके, थैंक यू.